जो कौ सेंचुरी बनी है उसमें बहुत ज्यादा गोलमाल हुआ है। उद्घाटन होने से पहले ही दीवारें गिरना शुरू हो गई। देखिए जो कौ सेंचुरी बनी है ये किसी व्यक्ति का पैसा नहीं है, ये सरकार का पैसा किसका है? आप लोगों ने टैक्स दिया है, टैक्स के दे दे के जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो सरकार के खजाने में जमा होता है। आप साबुन की टिक्की खरीदते हैं, आप पेस्ट खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। हर आदमी छोटे से छोटा आदमी भी टैक्स दे रहा है। उस पैसा जो इकट्ठा होता है वो सरकार जो है डेवलपमेंट पे लगाती है। करोड़ों रुपए की कौ सेंचुरी बनी रही है और यह संभव है कि बनने से पहले ही उसकी जो है वो दीवारें गिर जाएं। हमने लिखा है, मुख्यमंत्री को लिखा है, हमने बिजनेस को भी लिखा है कि वही इसकी इंक्वायरी करवाएं। पब्लिक का पैसा है, लोग वहां से आवाज उठा रहे हैं कि भाई ये बनने से पहले कैसे गिर गई, किसने गोलमाल किया। और सबसे बड़ा दुनिया का घोटाला, आप हैरान हो जाएंगे, आपके कान जो है ना सुन के आप विचित्र हो, मतलब आप उठ खड़े हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में जब 2007 में प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए 2008 में, 2008 में जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट आया तो उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोलने की इजाजत दी और इतनी खोल दी, दुकानें भी कम होती हैं, जैसे खैरी में दुकानें नहीं आती, ये तो थोड़ी सी हैं। यूनिवर्सिटियां 17 यूनिवर्सिटियां खोल दी हिमाचल प्रदेश में और एक पंचायत में 3-3 यूनिवर्सिटियां। ये जो मैंने स्कैंडल निकाला है ये स्कैंडल एक यूनिवर्सिटी का 20,000 करोड़ रुपए का गोलमाल हुआ। कितने का? जोर से बोलो। 20,000 करोड़ जो है वो हिमाचल सरकार का बजट नहीं है। 20,000 कैसे हुआ? 20,000 करोड़ एक डिग्री 3 लाख से 10 लाख के बीच में बेची गई। पीएचडी की डिग्री खरीद लो, लॉ की डिग्री खरीद लो, एमबीए की खरीद लो, आप और कोई एमएससी की खरीदनी है, बीएससी की खरीदनी है, जो खरीदनी है डिग्री है, वहां पर दुकान लग गई, दुकान बिक रही थी। और ये जो यूनिवर्सिटी